बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है जनाब, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, जब से दुआ ज़हरा का केस निकल कर सामने आया, तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात, सेंटिमेंट्स, इमोशंस दुआ ज़हरा के घर वालों के साथ है। ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के भी इमोशंस, उनके जज्बात इस केस से जुड़ गए। वो चाहते हैं दुआ ज़हरा को इंसाफ मिले, उसके वालिदैन मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिले, जो अपनी बेटी को वापस हासिल करने के लिए तरह तरह की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस अदालत जा रहे हैं, उस अदालत जा रहे हैं, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो जनाब, तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात इनके साथ जुड़ गए। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि दुआ ज़हरा का जो मामला है ना, ये सिर्फ इकलौता मामला पाकिस्तान का नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाकयात रिपोर्ट होते हैं, इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, बेशुमार वाकयात। और इन चीज़ों में एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मैंशन करता हूँ अपनी हर वीडियो में, हमें ये ट्रेंड सेट नहीं करना चाहिए। बेशुमार यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब, आप 16-17 साल की हो गई, आपने अपने वालिदैन से कहा कि भाई वो फलाना शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो जनाब, अगर घर वाले मना करते हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और जाएं, और उसके बाद अपने माँ बाप से माफ़ी की पहले दरख्वास्त करें, और वो माफ़ ना करें तो जनाब उनके कह दें कि भाई मुझे तो आपसे नफरत है। कुछ लोग इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमारा माशरा इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब आपके सामने मैं एक केस रखने जा रहा हूँ और वो केस सिमिलर है बिल्कुल दुआ ज़हरा की तरह। मेरे व्हाट्सएप पर बेतहाशा मैसेजेस मौसूल होते हैं, बेतहाशा केसेस निकल कर सामने आते हैं, लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से और बेतहाशा मैसेजेस की वजह से हर वॉइस नोट नहीं सुन पाता, हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। लेकिन इतने केसेस हैं कि अगर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँ तो मैं रोज़ाना 2 से 3 वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये केसेस ख़त्म नहीं हो सकते, इतने केसेज हैं, आप यकीन जानें। अब एक और केस निकल कर सामने आया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद की खातून है, सिंगल मदर हैं, किस तरह से उनकी बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, ट्रैप करने की कोशिश की गई। अब एक और केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा किस तरह से ये जहीर गैंग ऑपरेट करता है, लड़कियों को बुलाता है, उनसे निकाह ज़रूर करेगा, निकाह ज़रूर करेगा वो, लेकिन निकाह किस मकसद के लिए होता है ये मैं आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो जनाब, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जनाब, एक केस निकल कर सामने आया, एक लड़की है और ये लड़की ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं लग रही है, ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 18 से 20 साल, बहुत हुआ 22 साल इसकी एज होगी। जनाब, ये अपनी आप बीती सुनाती है, यह आप बीती बता रही है, और इसके साथ बिल्कुल उसी तरह का वाकया हुआ जिस तरह से दुआ ज़हरा के साथ हुआ। लेकिन दुआ ज़हरा को अभी सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, या वो उन लोगों के दरमियान है जहां पर उसको सब सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब ख़िज़ां का मौसम आएगा ना तो तमाम पत्ते एक करके झड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर दुआ ज़हरा को गालिबन ये एहसास होगा कि जो स्टेप उसने उठाया वो नामुनासिब था। अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करके, उनका दिल दुखा के, उनको तकलीफ़ पहुंचा के आप दुनिया की कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते, और अगर आपने खुशी हासिल कर ली तो वो आपको रास हरगिज़ नहीं आनी। माँ की बाप की बददुआ लेके, बददुआएँ तो माँ बाप नहीं देते, मेरा इस बात पर यकीन है, माँ बाप बददुआएँ नहीं देते, लेकिन माँ बाप का दिल दुखा के आप किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। जनाब, ये बताती हैं कि एक शख्स से उनकी राबता हुआ, दोस्ती हुई, फेसबुक पर राबता हुआ, दोस्ती हुई, उकाड़ा में वो रहता था, ये सरगोधा में थी गालिबन, और वो कहते हैं कि जनाब, हमारी जो शादी होने से पहले, शादी भी भाग के हुई है, उससे पहले हमारी 2 दफ़ा मुलाकातें हुई, उकाड़ा से सरगोधा आया, 2 दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद उसने कह दिया मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। इस लड़की ने अपने घर वालों से बात की, इनकी वालिदा ने जवाब दिया कि भाई हम अहले सुन्नत के हैं, वो अहले तशी के हैं, तो हम लोग शादी नहीं कर सकते, ये बात उनकी वालिदा ने कह दी। और यही बात इस लड़की ने उस बंदे को बता दी जो उसको ट्रैक कर रहा था। अभी आप पूरी कहानी सुनिए। अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो शख्स कहता है कि यार, अगर नहीं इजाज़त दे रहे तो कोई बात नहीं, हम भाग के शादी कर लेते। इस लड़की ने ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जिसको इस बात को तस्लीम करती है, ये बात कहती है कि मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी करके एक बहुत ही ज़िंदगी का ऐसा कदम उठाया जिसमें मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। जनाब, वो कहती हैं कि मैं निकलती हूँ अपने घर से, घर से निकलने के बाद मैं लाहौर आती हूँ, लाहौर आके मेरा पर्स छिन जाता है या छुक हो जाता है, और उसके बाद मेरी तमाम चीज़ें चली जाती, तो ये ऑनलाइन बुकिंग कराता है सरगोधा की, उकाड़ा की, मैं वहाँ से गाड़ी बैठती हूँ डेवू में, और उसके बाद मैं उकाड़ा जाती हूँ, 27 मार्च को हम मिलते हैं, 28 मार्च को गालिबन हमारा निकाह होता है, और उसके बाद हम लोग रहने लग जाते हैं। फिर कहीं से इस लड़के का भाई निकल कर आ जाता है और कहता है कि भाई
हम अहल तशी लोग हैं, हम सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बड़ी बदनामी होगी, आप एक काम करो, हम इस चीज़ को लीगलाइज करते हैं, हम इस चीज़ को लीगल की तरफ लेके जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने बाकायदा से शादी करते हैं ताकि आराम और तरीके से बात हो सके। लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं और उनके ना मानने की वजह से तो मैंने भागने का फैसला किया। तो वो भाई ये कहता है कि मेरा आपके घर वालों से रابطہ हो चुका है, मेरा आपके घर वालों से रابطہ हो चुका है, आप एक काम कीजिए, घर जाइए, मैं खुद आपको घर छोड़ कर आऊँगा, फिर हम बारात लेकर आएंगे, शादी की तैयारियाँ करें और फिर जनाब शादी तरीके से हो जाएगी, आपके घर वाले भी मान गए। अच्छा, वो ये बताती हैं कि जब मैं उकाड़ा आती हूँ तो जिस शख्स से मेरी शादी हुई उसने मेरा मोबाइल ले लिया और उसमें उसने एक दफ़ा मेमोरी कार्ड लगाया था, मेमोरी जब कार्ड लगाया था तो उसके बाद वो मोबाइल उसी के पास रह गया, मेरा रابطہ मेरे घर वालों से नहीं हुआ। उसके भाई के साथ मैं अपने घर सरगोधा की जानिब रवाना हो गई। अच्छा, घर पहुँचाने वक्त उसने कहा कि ये घर आ गया आपका, आप चली जाइए, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मामला ख़राब हों, जब मामला सब सेटल हो गया आप एक काम करें अपने घर चलिए, वो आधे रास्ते से वापस चला जाता है, ये अपने घर आ जाती हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि जनाब उसके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड उस लड़के ने डाला था जिसके साथ शादी हुई, उसमें 89 लड़कियों की तस्वीर मौजूद हैं, 89 लड़कियों के साथ उसके मामलात हैं। F9 इस्लामाबाद में एक होटल है जहाँ पर ये लेके जाता है लड़कियों को, वहाँ पर निकाह करता है, निकाह करने के कुछ अरसे बाद छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये बाकायदा उसने कहा कि जब मैंने उन लोगों से रابطہ किया, जब मैंने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर तमाम चीज़ें अपनी उस बंदे के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की तो मुख्तलिफ लड़कियों ने मुझसे रابطہ किया, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल थी वो प्राइवेट नहीं थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रابطہ किया, और जब रابطہ किया तो मैंने बताया कि हाँ ये मेरा शौहर है, तब मुझे एक एक करके सारी स्टोरीज़ पता चली। फिर मैंने उन लड़कियों से रابطہ किया जिन लड़कियों से ये मेरे से पहले शादी कर चुका था या शादी के मामलात की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें कर चुका था। फिर आज मैं इस नहज पर आके बैठ गई हूँ, आज वो ये बात कहती है कि मैं इस नहज पर आके बैठ गई हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ, तलाक याफ्ता हूँ, मैं आगे करूँ तो क्या करूँ, मेरे घर में शादी की तैयारी हो रही थी और वो लोग गायब हो गए। फिर मैं उसके घर गई, उसकी माँ एक औरत होने के बावजूद मेरा दर्द समझने के बजाय उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और कहा कि हमने उस शख्स को भी निकाल दिया, लेकिन उसको निकाला नहीं गया था, वो मुस्तकिल अपने घर आ जा रहा था, मुस्तकिल अपने घर आ जा रहा था। उसने बताया कि जब दुआ ज़हरा का मामला निकलकर सामने आया और सोशल मीडिया पर इतनी बात हुई तो मेरी हिम्मत बंधी कि मैं आके मीडिया पर बयान दूँ, मैं इस तरह से बयान दूँ, और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, यकीन जानिए बेशुमार केसेस हैं जो ये रिपोर्ट होते हैं, जो निकलकर सामने आते हैं। मेरी दुआ है कि जनाब हर घर में बेटी होती, हर घर में बहन होती, अल्लाह हर घर की बेटी और बहन की हिफाजत करें। इसी दुआ के साथ सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।